कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप और हम यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए हैं, और आपको पता है जो मीडियम स्पीकर्स या उससे जो कम लेवल के स्पीकर्स होते हैं और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, आपको पता है। बट वो डिफरेंस क्यों होता है वो आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में फ्रेसेस एंड इडियम्स यूज करते हैं, जबकि जनरल स्पीकर्स नहीं करते हैं। फ्रेसेस लाइक, आपने किसी को कहते सुना है कि शी स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी, स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ, ये एक फ्रेस है। या फिर आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश, तो रन आउट ऑफ ये भी एक फ्रेस है। शी विल बी बैक इन कपल ऑफ डेज, तो कपल ऑफ एक फ्रेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही डेली बोलचाल वाले बहुत इंपॉर्टेंट 27 फ्रेसेस बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड वो यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, ट्रस्ट मी। और जो मैं इसके ऊपर आपको सेंटेंसेस बताऊंगी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप इन फ्रेसेस को, इन इडियम्स को अपनी लैंग्वेज में, यानी अपनी आपकी जो भी लैंग्वेज है जैसे हिंदी, उसमें आप कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगी। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, इसे एंड तक देखिएगा। एंड फ्रेसेस एंड इडियम्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको आगे जो फ्रेसेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी, बट उसके पहले चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला फ्रेस है हमारी लिस्ट में सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। ये बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है फ्रेस। एग्जाम्पल देखिए, सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक, इसका मतलब अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय यानी एक चैप्टर ही पूरा किया है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैज वॉच्ड ओनली वन मूवी सो फार, मतलब उसने अब तक सिर्फ एक ही मूवी देखी है। तो सेंटेंस के आगे या पीछे कहीं भी सो फार यूज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेस है। नेक्स्ट फ्रेस है हमारी लिस्ट में रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ खत्म हो जाना, कोई भी चीज़, मतलब पेशेंस, मनी, कोई भी चीज़ हो सकती है, शुगर, सॉल्ट, एनीथिंग। ओके, एग्जांपल देखिए, दे हैव रन आउट ऑफ मनी। दे हैव रन आउट ऑफ मनी, इसका मतलब उनके पैसे खत्म हो गए हैं। यहाँ पे आप रन का ING फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी मतलब मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट फ्रेस है हमारी लिस्ट में स्केयर द हेल आउट ऑफ। स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन, यहाँ पे समवन कोई भी हो सकता है। स्केयर द हेल आउट ऑफ मी, स्केयर द हेल आउट ऑफ हिम। ओके, स्केयर द हेल आउट ऑफ का मतलब होता है एकदम से डरा देना। एग्जाम्पल देखिए, द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर द हेल आउट ऑफ मी, इसका मतलब उस भयानक आवाज ने मुझे एकदम से डरा दिया। स्केयर द हेल आउट ऑफ मतलब एकदम से डरा देना। नेक्स्ट फ्रेस है इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स का मतलब होता है कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में। एग्जाम्पल देखिए, फाइव एम्प्लॉयज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। फाइव एम्प्लॉयज वर फायर्ड इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, इसका मतलब पांच कर्मचारियों को कुछ ही सेकेंड्स में निकाल दिया गया, यानी कुछ ही मोमेंट्स में, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में। नेक्स्ट फ्रेस हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ का मतलब होता है से बात करना। एग्जाम्पल देखिए, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू। कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, इसका मतलब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये फ्रेस यूज करके सेंटेंस बहुत इंप्रेसिव बन गया, अदरवाइज आप ऐसे भी बोलते कि कैन आई टॉक विद यू और मे आई हैव अ टॉक विद यू तो भी सही था, बट हैव अ वर्ड विद इज वेरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट फ्रेस है हमारी लिस्ट में सेफ एंड साउंड। वेरी यूजफुल एंड कॉमनली यूज फ्रेस। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत या सकुशल। एग्जाम्पल देखिए, वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, इसका मतलब हम सही सलामत घर पहुंच गए। द चिल्ड्रन अराइव्ड सेफ एंड साउंड, बच्चे सही सलामत पहुंच गए। इसको आप बोलचाल में ऐसा बोल सकते हैं, आई होप तुम लोग सेफ एंड साउंड घर पहुंच जाओ, मतलब आई होप तुम लोग सही सलामत घर पहुंच जाओ। तो सारे फ्रेसेस बोलचाल में वैसे ही यूज होंगे, जस्ट ये इंग्लिश वर्ड यूज होगा, अदरवाइज बाकी लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा या जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो रहेगा। नेक्स्ट फ्रेस है हमारी लिस्ट में फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से, एकदम जीरो से स्टार्ट करना, उसको हम बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच। एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू स्टार्ट अवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। वी नीड टू स्टार्ट अवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की जरूरत है। फ्रॉम स्क्रैच, एकदम शुरुआत से।
नेक्स्ट फ्रेज है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। जब आप किसी बात को कंक्लूड करके आखिरी की कुछ लाइनों में या बहुत शॉर्ट में कोई बात बोलें तब आप बोलते हैं इन अ नटशेल सो एंड सो। इन अ नटशेल के बाद आप अपनी बात कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम। यानी बहुत सारी बातें अगर आपने बोली हों और आप अपनी बात को कंक्लूड करके बोले कि इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम, मतलब संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में डे इन डे आउट। ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यूज होने वाला फ्रेज है। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात या फिर लगातार। एग्जाम्पल, ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर, इसका मतलब उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, यानी लगातार मेहनत की, डे इन डे आउट। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में सूनर और लेटर। सूनर और लेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में, जिसका मतलब होता है देर सवेर या कभी ना कभी। एग्जाम्पल देखिए, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, इसका मतलब कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इसे आप बोलचाल में ऐसा बोल सकते हैं, सूनर और लेटर वो एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेगी, मतलब आज नहीं तो कल या कभी ना कभी वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगी। तो सूनर और लेटर बहुत ज़्यादा यूजफुल फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में। एट अ ग्लैंस यानी एक बार आप देख के जो समझो उसको बोलते हैं एक नज़र में समझना या एट अ ग्लैंस किसी बात को समझना। एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस, इसका मतलब मैंने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। बोलचाल में आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, एट अ ग्लैंस मुझे लगा वो मेरा फ्रेंड है, यानी एक नज़र में मुझे ऐसा लगा वो मेरा फ्रेंड है। तो एट अ ग्लैंस का ऐसा यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेज है इंस्टेड ऑफ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में, ट्रस्ट मी। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। जैसे इंस्टेड ऑफ मी मतलब मेरे बजाय या मेरी जगह, इंस्टेड ऑफ यू तुम्हारी जगह। एग्जांपल देखिए, आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज का मतलब मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूँगा। या फिर आप ऐसा बोलें अगर कि वुड यू लाइक टू गो टू द पार्टी इंस्टेड ऑफ मी, मतलब मेरी जगह पे क्या तुम पार्टी में जाना पसंद करोगी। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले, या पहली बात ये है कि, फिर जो भी आप बोलेंगे, इन द फर्स्ट प्लेस आई लाइक यू, पहली बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर जो भी आगे आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर अ नाइस ड्रेस। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वेयर अ नाइस ड्रेस, इसका मतलब सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। इसके बाद तो आप जो भी अपना सेंटेंस बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक्चुअली idiom है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब बेचैन, असामान्य या बहुत तड़पने जैसा फील होना, उसको हम बोलते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप वाटर से फिश को बाहर निकालेंगे, मछली को जल से आप बाहर निकालते हैं तो कितना तड़पती है, तो वैसा फील आना के सेंस में यूज होता है ये फ्रेज। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। इसका मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, किसी भी चीज़ का बहुत बेसब्री से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर इंतज़ार करने के सेंस में लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, इसका मतलब मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यानी मैं आपसे बहुत जल्दी दोबारा मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब होता है ध्यान ना देना। एग्जाम्पल, ही टर्नड अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्नड अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, इसका मतलब उसने मेरे अनुरोध पर या मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया, उसे अनसुना कर दिया। द हजबेंड टर्नड अ डीफ ईयर टू हिज वाइफ्स कंप्लेन, मतलब उस पति ने अपनी पत्नी की जो शिकायतें हैं उसको ध्यान नहीं दिया या अनसुना कर दिया। ये सेकेंड एग्जाम्पल था। नेक्स्ट फ्रेज है एज ईजी एज ए बी सी। बहुत यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज है ये भी। इसका मतलब होता है बहुत आसान। As easy as ABC, मतलब ABC जितना आसान। Example, that job was as easy as ABC. That job was as easy as ABC, इसका मतलब वो काम बहुत आसान था।
अगर अलग शब्दों में बोले तो वो काम इतना आसान था जितना ABC बोलना या पढ़ना। नेक्स्ट फ्रेज है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नज़र रखना या ध्यान रखना। ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है। एग्जाम्पल देखिए, कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट। कुड यू कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट, इसका मतलब क्या आप एक पल के लिए या एक मोमेंट के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं। या आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं, वुड यू कीप एन आई ऑन माई फैमिली वैन आई एम नॉट हेयर। अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो क्या आप मेरी फैमिली पर नज़र रख सकते हैं या उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका ध्यान दे सकते हैं। तो कीप एन आई ऑन मतलब नज़र रखना या ध्यान रखना। नेक्स्ट फ्रेज है अ कपल ऑफ। वेरी यूजफुल फ्रेज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक दो। एग्जाम्पल, आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर। I have seen her a couple of times before, इसका मतलब मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है। A couple of मतलब एक से ज़्यादा, दो से कम या दो, यानी जब आप sure नहीं हैं, a couple of एक दो, a couple of days एक दो दिन, a couple of months एक दो months, इस तरीके से use होता है a couple of। Second example आप ऐसा बोल सकते हैं, she will be back in a couple of weeks। She will be back in a couple of weeks, मतलब वो एक दो हफ्ते में वापस आ जाएगी। तो a couple of ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेज है इन द कोर्स ऑफ। इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान। एग्जाम्पल, शील गेट यूज टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम। शील गेट यूज टू स्कूल इन द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब उसे समय के साथ स्कूल आने की आदत हो जाएगी। इन द कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के दौरान, जैसे जैसे समय बीतेगा, एज द टाइम पास बाय, यानी जैसे समय बीतेगा वैसे। नेक्स्ट फ्रेज है चाइल्ड्स प्ले। ये भी वैसा ही है जैसा एज ईजी एज ABC था। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। एग्जाम्पल, ड्राइविंग अ कार इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ड्राइविंग अ कार इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है, यानी बहुत आसान नहीं है। आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा यूज़ कर सकते हैं, दैट जॉब वॉज अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब वो जॉब एक बच्चों का खेल था, बहुत आसान था मतलब। नेक्स्ट फ्रेज है इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब होता है किसी भी स्थिति में, यानी कुछ भी हो। एग्जाम्पल, इन एनी केस ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, और ही इज़ माई फ्रेंड भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब कुछ भी हो वो मेरा दोस्त है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरा दोस्त है। इन एनी केस किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट फ्रेज है इन नो केस। इन एनी केस यानी किसी भी स्थिति में, इन नो केस मतलब किसी भी स्थिति में नहीं, चाहे जो हो जाए नहीं। एग्जाम्पल, इन नो केस शुड यू पैनिक। इन नो केस शुड यू पैनिक, इसका मतलब आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इन नो केस शुड यू ज्वाइन द पार्टी, आपको किसी भी स्थिति में वो पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। जब भी आप इन नो केस यूज़ करते हैं, तब आप सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होता है वो इन नो केस के बाद यूज होता है। जैसे इन नो केस के बाद हमने शुड यूज़ किया। नेक्स्ट फ्रेज है इन दैट केस। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन दैट केस का मतलब होता है उस हालात में या उस स्थिति में। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। जैसे अगर आपको कोई बोले कि मुझे CA बनना है या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तब आप बोलते हैं उस स्थिति में तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड, यानी उस स्थिति में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इस तरीके से इन दैट केस यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल या कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरीली आप बोल सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग का एग्जाम्पल देखिए, शी इज स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग। शी इज स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब फिलहाल वो अपने दोस्त के साथ रह रही है, यानी अभी कुछ समय के लिए। नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में एट टाइम्स। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। एग्जाम्पल, ही कैन बी वेरी रूड एट टाइम्स। ही कैन बी वेरी रूड एट टाइम्स, इसका मतलब कई बार वो बहुत ज़्यादा, रूड का मतलब होता है अशिष्ट, है ना, कठोर। कई बार वो बहुत ज़्यादा अशिष्ट हो सकता है। एट टाइम्स यानी कभी कभी, कई बार, कभी कभी। एट टाइम्स आई फील वेरी लोनली, मतलब कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो इस तरीके से एट टाइम यूज़ होता है। तो ये थे 27 फ्रेसेस। आई होप आपको सारे फ्रेसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे होंगे।
तो ये थे 27 फ्रेसेस एंड idioms. मुझे उम्मीद है सारे फ्रेसेस और उनके ऊपर बताए गए सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आया, इसमें से आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा. बिकॉज आप जब शेयर करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है. एक तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज मैं वीडियोज़ बनाती ही इसलिए हूँ ताकि लोगों की मदद हो पाए और इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है, विच इज़ माई बेनिफिट. तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे फ्रेसेस आप और जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में भी उनका लिंक है, वो भी आप देखिएगा, आपको पसंद आएंगे. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. बट उसके पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप ऐसे वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीरियस है उसके बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है. नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको आपको प्रेस करना है और उसके जो बाजू में बेल आइकन है उसको आपको टच करना है. उससे क्या होगा, जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको देख के इंग्लिश सीख सकते हैं. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ दिस वीडियो. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.